सोचा नहीं था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, बट एक जज्बा था हमेशा कि देश सेवा के लिए अपने आप को हमेशा देश सेवा में लगाना है। अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, इनफिनाइट जिसको बोलते हैं, कोई सीमा नहीं है आपके पोटेंशियल की, आपके जज्बे की, आपके जोश की। लेकिन शर्त यह है कि आप उस पोटेंशियल को समझें, आइडेंटिफाई करें। जरूरी नहीं है कि आपको आर्मी में ही जाना है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सिविल सर्विसेज में ही जाना है, बट जो भी करियर, जो भी रास्ता आप अपने जीवन के लिए चुने, उद्देश्य साफ होना चाहिए कि उस मार्ग में मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी बनना है। इंसान की कोई सीमा नहीं, इंसान की कोई लिमिट नहीं, लिमिट सिर्फ दिमाग की होती है। और यदि हम अपने आप को, अपने एनर्जी को चैनलाइज कर पाए, तो आई थिंक वो लिमिट हम पूरी तरह से एक्सीड कर पाएंगे। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून रोशि, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू जम्मू। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इंस्टाग्राम लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच टेक वन को, पूरा टेक वन डिजिटल को, और आपको थैंक यू सो मच। सर, जैसे कि आप एक आर्मी वेटरन रहे हैं और आपने अभी जो हाल ही में सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम क्रैक किया है, जिसको वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम भी कहा जाता है, तो मैं सबसे पहले आपसे आपकी ना आर्मी में आपकी जॉइनिंग कैसे हुई, मैं सबसे पहले उस बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। तो आपकी आर्मी में कैसे जॉइनिंग हुई और कब से आप कितनी देर आपने वहाँ पे सर्व किया, उस बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अखनूर का रहने वाला हूँ। तो अपनी स्कूलिंग मैंने अखनूर से ही खत्म करी, सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो करी वो अपने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से करी है। और जब मैं अपने प्री फाइनल ईयर में था, थर्ड ईयर जिसको हम बोलते हैं, तो उस वक्त एक स्कीम हुआ करती थी आर्मी की एंट्री के लिए, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। तो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के तहत आर्मी जो है डिफरेंट कॉलेजेस को विजिट करती है और कुछ बच्चों को चुनकर उनको SSB के लिए फर्दर भेजती है। तो मैं उसी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के थ्रू आर्मी में SSB देने इलाहाबाद गया था, 19 SSB इलाहाबाद, और वहां से मैं रेकमेंड होके फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए पहुंचा था। और एक साल का ट्रेनिंग खत्म करने के बाद 2015 में मैं इंडियन आर्मी में कमीशन हुआ और मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में मैंने सर्विस करी। सर, आपने अभी मेंशन किया इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है, उसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिलिट्री एकेडमी भी कहा जाता है। तो सर, जब आपकी वहां पे ट्रेनिंग हो रही थी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, उसके बारे में कुछ शेयर करिए। जी एब्सोल्युटली, जैसा आपने कहा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट माना जाता है ट्रेनिंग के लिए। 1932 में इसकी जर्नी शुरू हुई थी। तो 2015 में जब मैंने कॉलेज के बाद अपनी जर्नी शुरू करी अकेडमी में, तो इनिशियल कुछ डेज थोड़ा सा इंसान को, क्योंकि उस वक्त जब हम कॉलेज से जस्ट निकले होते हैं तो ऐसे लगता है कि हम कहाँ आ गए। लेकिन इसके बावजूद मैं एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं बचपन से ही खेल कूद में रहा हूँ। पहले मैं क्रिकेट खेलता था, फिर बास्केटबॉल खेलता रहा काफी देर, तो उससे जो अपना फिटनेस लेवल था तो वो लगभग अच्छा था। तो अगर मैं फिजिकल लेवल पे बात करूं तो इतना ज्यादा डिफिकल्टी हुआ नहीं, और थोड़ा बहुत मेंटल टफनेस, अगर आप लगातार गेम्स में, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, तो मेंटल टफनेस वो डेवलप हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं है। बट फिर भी अगर मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस एकेडमी का आपको बताना चाहूं, तो बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस, क्योंकि वो आपको ये चीज सिखाता है कि इंसान की कोई सीमा नहीं, इंसान की कोई लिमिट नहीं, लिमिट सिर्फ दिमाग की होती है। और यदि हम अपने आप को, अपने एनर्जी को चैनलाइज कर पाए, तो आई थिंक वो लिमिट हम पूरी तरह से एक्सीड कर पाएंगे। और जैसे वो कहते हैं द स्काई इज द लिमिट, तो आज तो स्काई भी लिमिट नहीं रहा है, लिमिट तो कोई लिमिट नहीं है। तो आई थिंक वो जो एक साल का एक्सपीरियंस है, उसने मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से शेप करा, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरा नेवर से डाई एटीट्यूड है, तो मैं उसका काफी श्रेय वो एक साल के मिलिट्री ट्रेनिंग को देना चाहूंगा। मेरे को लगता है कि आपको उस मिलिट्री ट्रेनिंग में पूरे ओवरऑल द ईयर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और भी आगे भी करेगी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे हम किसी भी फील्ड को अपनाते हैं, किसी भी करियर चॉइस हमारे माइंड में आती है, तो उसके पीछे किसी ना किसी इंसान का, किसी ना किसी पर्सन का कुछ ना कुछ रोल रहता ही है।
तो आपकी लाइफ में जब आपने आर्मी के लिए सोचा तो उसमें आपको किसने मोटिवेट किया, आपको कहाँ से ऐसी इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी मिलिट्री बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपने उस टाइम पे आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इसमें जाने की? जी देखिए कि आर्मी में ज्वाइन करने का डिसीजन मेरा कॉन्शियस डिसीजन था, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, बट एक जज्बा था हमेशा कि देश सेवा के लिए अपने आप को हमेशा देश सेवा में लगाना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि थर्ड ईयर में जब कॉलेज में आर्मी आई तो उसके बाद SSB चले गए, SSB जाके सिलेक्शन हो गया। साइमल्टेनियसली मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस वक्त मैंने FCAT का एग्जाम भी दिया था, तो FCAT का एग्जाम देने के बाद मैं एयरफोर्स के लिए भी SSB दिया मैंने, जो कि देहरादून में दिया था मैंने, 1 AFSB देहरादून, तो वहां भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो जब जुलाई 2014 में मुझे ज्वाइनिंग करना था तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं या आर्मी ज्वाइन करूं, तो उस वक्त मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, क्योंकि आर्मी एज कम्पेयर टू एयरफोर्स आपको थोड़ा ज्यादा वर्सेटाइल ऑप्शन देता है आपको इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, तो उसी वजह से मैंने चूज किया कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। जी सर, ऐसे तो लगता है कि आपकी डेस्टिनी थी आर्मी में जाना, तभी आप उसी तरफ हो लिए। तो सर मैं आपसे आगे जानना चाहती हूँ UPSC के बारे में। तो जब आप आर्मी में सर्व कर रहे थे, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है उसमें, तो उसके दौरान ही आपके माइंड में आया था कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए ही जाना, क्योंकि वो भी एक सर्विस ही है हमारे नेशन की, जैसे कि आप वहां भी आर्मी में भी सर्व कर रहे थे उसी तरीके के सिविल सर्वेंट भी होते हैं, तो आपने उसी दौरान आपके माइंड में आया या कुछ ऐसा हो गया आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा मोड़ आया कि जिसकी वजह से आपने UPSC की तरफ भी अपना रुख किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हुआ यूं कि मैं 2017 में मैं ट्रेनिंग इवेंट में शामिल था, तो उस ट्रेनिंग इवेंट के दौरान ही मुझे, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं खेल कूद में काफी पहले से ही अग्रसर था, तो खेलते वक्त ही बास्केटबॉल के गेम में मुझे इंजरी हो गया था, तो वो इंजरी एक टर्निंग पॉइंट के रूप में मेरे लिए हुआ। इंजरी के कारण मुझे स्पाइन का इशू हो गया था, डिस्क का इशू हो गया था, साइमल्टेनियसली मुझे एंकल का इशू हो गया था, तो थोड़ा सा मस्कुलर एट्रोफी हो गया था। तो उसके कारण क्या हुआ कि मुझे भागने दौड़ने में काफी दिक्कत होने लगी, परेशानी होने लगी, तो उस वक्त मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं शायद आर्मी को उस तरीके से मैं सर्विस नहीं दे पाऊंगा जिस तरीके से मैं चाहता हूं, तो उस वक्त मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अभी मुझे एक ऑल्टरनेट करियर की तरफ अग्रसर होना चाहिए, जिससे मैं देश की सेवा भी कर सकूं और जिसके जिसके बदौलत मुझे देश सेवा में मौका मिले, और साथ ही साथ मुझे अपनी इंजरी को भी थोड़ा सा मैं अपने कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल कर पाऊं। सर जैसे अभी आपने मेंशन किया कि इंजरी आपको हो गई थी, तो काफी लोग हम देखते हैं कि जिनके लाइफ में ऐसे मोड आ जाते हैं कि इंजरीज हो जाती हैं, तो वो काफी लोग डिसमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपने बट उसमें से उभरे, आपने एक इतना टफेस्ट एग्जाम जो है वो क्रैक किया है, इंडिया का सबसे टफ एग्जाम, लोगों के बहुत साल निकल जाते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, तो सर जब आपने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आप कितना टाइम देते थे स्टडीज में, क्या शेड्यूल रहता था उस टाइम पे? जी उस सबसे पहले मैं तो आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि जब इंडियन मिलिट्री अकेडमी में हमने ट्रेनिंग करी, तो ट्रेनिंग के दौरान हमें एक चीज सिखाई जाती है, वो कहते हैं कि इंग्लिश में एक कहावत है कि वट एवर डज नॉट किल यू ओनली स्ट्रेंथन्स यू, तो जो चीज आपको मारती नहीं है वो सिर्फ आपको मजबूत और ताकतवर बनाती है। तो आई थिंक वही थॉट प्रोसेस हमेशा माइंड में इनग्रेन रहा है कि जब तक जान है, जब तक सांसें चलती रहेंगी, तो तब तक हिम्मत नहीं हारनी है। बाकी आपने बच्चों के बारे में कहा कि कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, मैंने कैसे करा, तो 2019 में मैंने जब कॉन्शियस डिसीजन ले लिया कि अभी मुझे ऑल्टरनेट करियर की तरफ बढ़ना है, तो मैंने धीरे धीरे, क्योंकि आर्मी का आप जानते हैं कि रूटीन, एक पर्टिकुलर रूटीन रहता है, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग इवनिंग तक, इवन देर रात तक भी कई बार कुछ कार्य करने पड़ते हैं, तो उसके कारण टाइम के लिमिटेशन हमेशा रहा, लेकिन बावजूद उसके मेरा थॉट प्रोसेस सिर्फ इतना था कि जितना भी टाइम मुझे मिले तो उसको वेस्ट नहीं करना है। तो मेरा सिर्फ सिंपल सा फंडामेंटल था कि जैसे मैं लीव भी बहुत कम आता था, जब आता भी था तो या तो मैं घर पे रहता था या फिर अपना मिलिट्री स्टेशन में ही रह के अपने रूम पे रह के पढ़ाई करता था, तो सोशलाइजेशन काफी कम हो गया, सोशल मीडिया पे आज सच आर्मी में वी आर नॉट परमिटेड ऑल्सो, सो टाइम वेस्ट करने के साधन जो थे वो बहुत कम थे। और एक चीज जो मेरे एडवांटेज में रही,
जैसा कि इंजरी के कारण क्या हुआ कि मुझे पीटी गेम से थोड़ा एक्सक्यूज मिल गया, तो दैट ऑल्सो हेल्प थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, एक दो घंटा रोज का। तो ऑन एन एवरेज 4-5 घंटे मैंने रेगुलरली लगाए हैं। तो आई थिंक इसके माध्यम से मैं एस्पिरेंट्स को भी यही मैसेज देना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हमें 15-16 घंटे पढ़ना है। 15-16 घंटे एक आध दिन मैंने भी पढ़ा होगा शायद, जब मुझे टाइम मिला होगा, बट अदरवाइज अगर आप कंसिस्टेंटली सेम चीज, सेम रूटीन 4-5 घंटे 6 घंटे भी लगाने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें तो साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में हर रोज अगर आप 4-5 घंटे लगा के चले तो इट गोज अ लॉन्ग वे। तो आई थिंक वो बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वही सागर हमें बनाना है। सर, इसके लिए काफी डिटर्मिनेशन की भी जरूरत होती है, तो आपके अंदर तो वो कूट कूट के भरा हुआ है जैसे कि मैं देख रही हूँ। तो सर, ये जो आपकी प्रिपरेशन थी वो मोस्टली आपने अपनी एकेडमी और घर पे ही रह के की है, तो आपने कभी इसके लिए गाइडेंस लेने की कोशिश की या कहीं इंस्टीट्यूट से जाके पढ़ाई करी? जी, इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मेरा बचपन से ही ऐसा रहा है कि कोचिंग वगैरह से थोड़ा मैं दूर रहा हूँ, और अदरवाइज मेरा पर्सनल भी, क्योंकि आर्मी में इतना टाइम लिमिटेशन था तो कोचिंग वगैरह में जाने के ऑप्शंस कम थे। तो एज फार एज गाइडेंस इज कंसर्न, तो मेरे भैया जो है, मेरे बड़े भैया, ही इज बीन प्रिपेयरिंग सिविल सर्विसेज के लिए, तो उन्होंने काफी गाइड किया कि क्या किताबें पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो वो थोड़ा काफी हेल्पफुल हो गया मेरे लिए। बट अदरवाइज अगर आप बात करें कोचिंग वगैरह, मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया। आजकल यूट्यूब पे बहुत चीजें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बहुत पोर्टल्स हैं जहां पे आपको करंट अफेयर्स का मटेरियल मिल जाएगा, आपको अगर कोई डाउट्स आते हैं जनरल स्टडीज के लिए, ऑप्शनल के लिए, तो बहुत चीजें अवेलेबल हैं। मैं बच्चों को वो नहीं बोलूंगा कि आप कोचिंग ना ज्वाइन करें, आपका टोटली पर्सनल डिसीजन है, बट मुझे लगता है कोचिंग जाने से थोड़ा सा आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा सकता है, क्योंकि जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो उनके लिए ऑलरेडी टाइम का लिमिटेशन है, तो वो उनका पर्सनल डिसीजन है, बट मैंने ऐसा कोई कोचिंग वगैरह लिया नहीं। तो सर, जैसे कि आपने पहले हमारे देश को आर्मी के थ्रू सर्व किया एंड अब आप सिविल सर्विंट के थ्रू भी सर्व करने वाले, तो सर मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि काफी यूथ अपने जो रास्ते से वो भटक रहे हैं, या काफी ज्यादा चीजें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ड्रग अब्यूज हम काफी देख रहे हैं, रीजन में काफी ज्यादा हो रहा है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि हम किस तरीके से अपने जो यूथ है उसको फोकस रख सके अपने गोल्स के थ्रू? जी देखिए, यूथ का, जैसा आपने पहले भी कहा कि यूथ का इम्पोर्टेंट रोल है नेशन बिल्डिंग में, तो सबसे पहले हमें उनको समझाना पड़ेगा कि वो अगर इन ड्रग एब्यूज जैसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो वो सिर्फ अपना भविष्य खराब नहीं कर रहे, वो पूरे देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। क्योंकि देश अगर आप देखिए तो आज डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड वो टाइम पीरियड है जब हमारे देश में 50% से ज्यादा युवा लोग हैं, युवा लोगों में वो क्षमता है, और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड अगले 25-30 साल तक रुकने वाला है। तो यदि हम इसको टैप नहीं कर पाए तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। तो ये चीज जब हम युवा लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि उनपे, उनके कंधों पे सिर्फ उनकी जिम्मेवारी नहीं, पूरे देश की, पूरे समाज की, और एक तरह से पूरे विश्व की जिम्मेदारी उनके कंधों पे टिकी है, तो ये चीज अगर हम उनको समझाने में कामयाब हो जाते हैं। बट अभी क्वेश्चन आता है कि ये कैसे समझाई जाए, तो आई थिंक इसमें हमारे जो माता पिता हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स जो हैं, हमारी सोसाइटी, हर एक सदस्य का, सोसाइटी के हर एक बंदे का ये रोल बनता है कि जहां भी यूथ को अपने रोड से, अपने पाथ से डाइग्रेस होता हुआ देखे तो उनको वहीं रोकना है। ये नहीं कहना है कि ये बच्चा मेरा नहीं, बच्चे समाज के होते हैं, बच्चे सिर्फ माता पिता के नहीं, ये मेरी माता जी कहती हैं कि बच्चे कभी सिर्फ माता पिता के नहीं होते, बच्चे पूरे समाज के, पूरे देश के होते हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे आप मीडिया में हैं ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम अगर जैसे सोसाइटी के लिए अभी एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल काम करेंगे, अदरवाइज जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, ये सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को समझाया जाए। और सोशल मीडिया का इसमें बहुत ही विशेष रोल है, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, तो डाइवर्ट होने का सबसे बड़ा रीजन है कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए बहुत ही आराम से एक्सेसिबल है। तो सोशल मीडिया का जो कंटेंट है, बच्चे क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, किस चीजों को वो एक्सपोजर मिल रहा है, तो उन चीजों को थोड़ा सा हम माता पिता का, टीचर्स का अगर थोड़ा सा चेक रहेगा, तो आई थिंक उस तरीके से हम बच्चों को बता पाएंगे कि उनमें बहुत अधिक क्षमता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें अपने आप को कमजोर मानना एक पाप है, वीकनेस इज अ सिन। तो हम अपने आप को अगर कमजोर मानेंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा, तो ये चीज उनको समझनी पड़ेगी।
तो सर हमें आपके जैसे रोल मॉडल्स की भी काफी जरूरत है जिन्होंने सोशल मीडिया का इतना अच्छा इस्तेमाल करके इतना टफेस्ट एग्जाम जो क्लियर किया है। तो सर मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी, आर्मी में हो गया आपका सर्विस एंड सिविल सर्वेंट में आप अभी जाना चाहते हो, अब उसके नेक्स्ट क्या है, आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल मुझे रेलवे सर्विस अलॉट हुआ है, तो अभी लखनऊ में इसका ट्रेनिंग होगा, तो एज एंड व्हेन जब ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे उसके बाद सर्विस ज्वाइन करेंगे, तो एम तो यही रहेगा कि जिस भी क्षेत्र में काम करें पूरी क्षमता से, पूरी डेडिकेशन से, पूरी डिटर्मिनेशन से देश को आगे ले जाने के लिए काम करें, जैसे भी हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा। बारिंग दैट ऑल्सो अपना एम हमेशा ऐसे रहा है और आगे भी रहेगा कि जितने भी तरीके से हम देश के भविष्य को, देश के युवा को गाइड कर पाए, किसी भी तरीके से उनको मोटिवेट कर पाए, तो वो जारी रहेगा सोशल मीडिया के माध्यम से। अदरवाइज जैसे हम सोसाइटी में बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके, उनके साथ इन्वॉल्व होके, उनके साथ खेल के, तो जो भी माध्यम मिलेगा एम यही रहेगा कि देश सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना है, वो सर्विस में हो या सर्विस के बाहर एक्स्ट्रा जो हमारा सफेयर है उसमें हो, एम यही है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए ताकि देश को हम स्वर्णिम युग की तरफ ले जा सकें। तो सर हमें इतना इंटरेस्टिंग लाइव सेशन हमारा जा रहा है, तो हमें पता भी नहीं लगा हम कब अपने इस पूरे सेशन के एंड में पहुंच गए। तो अभी हमारे पास जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? मैसेज क्लियर है कि अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, इनफिनाइट जिसको बोलते हैं, कोई सीमा नहीं है आपके पोटेंशियल की, आपके जज्बे की, आपके जोश की, लेकिन शर्त यह है कि आप उस पोटेंशियल को समझें, आइडेंटिफाई करें। जरूरी नहीं है कि आपको आर्मी में ही जाना है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सिविल सर्विसेज में ही जाना है, बट जो भी करियर, जो भी रास्ता आप अपने जीवन के लिए चुने, उद्देश्य साफ होना चाहिए कि उस मार्ग में मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी बनना है। जैसे हमारे शायद आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने कहा है कि हमारे ग्रेट लीडर रहे हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा है कि अगर हमारा कार्य एक गली को साफ करना भी हो तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस गली को दुनिया की सबसे साफ गली बनाएं। तो आई थिंक मैसेज यही है कि जो भी कार्य करें उसको समर्पित होकर पूरी डेडिकेशन से करें और उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप बेस्ट बनेंगे आप खुश रहेंगे, आपका फैमिली खुश रहेगा, सोसाइटी आगे बढ़ेगा और देश तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच सर इतना वंडरफुल मैसेज देने के लिए, और आज आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू योर एंटायर टीम और सारे जम्मू वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।